अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ओके जी, तो आज जो है हम वीलॉग बना रहे हैं। बहुत 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 पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीकेंड्स पे जो है हम क्या करते हैं या वीकेंड कैसे गुजारते हैं, उसके ऊपर जो है वीलॉग बनाया, तो आप लोगों ने बोला कि और बनाएं, और इस बात को 8 महीने गुजर गए हैं, तो अब जो है दोबारा से एक इस तरह का जो है वो वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें आपको जो है वो मैं अपने साथ रखूँ वीकेंड पे, और आप देखें कि हम क्या क्या कर रहे हैं एंड ऑल। और आप लोग सब कैसे हैं? वेल, इस टाइम तो जो है मेरे ख्याल से 5 बजने वाले हैं और मैं जो हूँ वो रेडी हो गई हूँ। हम इफ्तारी पे जा रहे हैं। संडे को जो है वो हम बाहर इफ्तारी करते हैं, सैटरडे की सहरी बाहर करते हैं, और मंडे टू फ्राइडे हम घर पर ही खाना खाते हैं, बाहर खाना नहीं खाते। ठीक है, तो ये जो होगी मैंने आपको बता दिया, तो अब जो है वो हम जा रहे हैं और बस हम निकलने लगे हैं। और आज हमने कहाँ पे इफ्तारी करनी है, क्योंकि संडे को जो है वो मोस्टली हर जगह पे जो है वो क्या कहते हैं, वो जो बुकिंग करवाते हैं व्हाटएवर, वो करवाई नहीं होती है। तो मैंने 2 से 3 रेस्टोरेंट में जो है वो करवाई है, और यह हम देखेंगे कि हम किसको जो है वो कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आए चलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि जो है मैं न्यू वीडियोस बनाऊं। सो चलें, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो इस टाइम जो है वो हम गाड़ी में बैठ गए हैं, और जो हम जो है वो अपने रेस्टोरेंट की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और 5 बज गए हैं, और रोज़ा खुलने में जो है वो तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो रह गया है, और मुझे नहीं पता जन मोस्ट लाइकली हम किधर जा रहे हैं आज। मेरे ख्याल से फ्रेडीज की तरफ जा रहे हैं। ओके जी, तो आज हम जो है वो फ्रेडीज जा रहे हैं, उनका जो बुफ्तार कह रही हूँ, जो उनका इफ्तार बुफे जो है वो उनका बड़ा मजे का है, और जो है उस रोजा तो नहीं लग रहा है, नहीं मेरी यार, तो उसमें जो है वो काफी अच्छी जो है वो उनकी मेन्यू है और समथिंग, तो वो भी आपको दिखाऊंगी कि क्या मेन्यू है और क्या क्या उन्होंने बनाया। ये मेरी बड़ी प्यारी सी जो है वो फैन फॉलोअर है, उन्होंने मुझे मेरे लास्ट जो है वो वीडियो के ऊपर ही मैसेज किया था कि अपनी इफ्तार या शहर के दौरान कोई जो है वो वीडियो बनाएं, तो वीकेंड था तो मैंने सोचा कि हम जा ही रहे हैं, तो चलो एक वीडियो जो है वो उनके लिए बनाते हैं। और ये क्या है? ये जान आपके लिए एडवांस ही दी है, थोड़ी सी हाफ एडवांस ही दी है, बाकी फिर छुट्टी दी जाएगी। पर मेरी जान, अगर आप मुझे बताते तो मैं इसकी अच्छी सी इंटरेस्ट करवाती। ये क्या है? ये बड़ा ईदी है ना आपकी, आप खोल के देखो है? पर इतना भारी क्या है इसके अंदर? इसके अंदर देखो, खोल के बताओ फिर क्या है। अगर आप मुझे बता दे तो मैं इसके ऊपर एक और व्लॉग बना देती। मैं देखती हूँ लोग इतने इतने क्रिएटिव है, इतनी मजे की चीजें बनाते हैं, और इसके अंदर वो चीज है जिसको आप काफी ज्यादा इस्तेमाल करोगे डेली बेसिस पे। काफी ज्यादा इस्तेमाल करूँ डेली बेसिस। चले हम इसको ओपन करते हैं, क्या है, वरना अगर मुझे पता होता तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना सकती थी। अच्छा, जब आपको कंटेंट बनाना होता है ना, तो आप बहुत सोचते हो कि कहाँ से नए टॉपिक आए या कहाँ से नई जो है वो चीज़ें आए, तो वो जो है वो आपको ज़्यादा नहीं समझ आती। वेल जान, थैंक यू सो मच, और हम आए इसको खोलते हैं, क्या है इसके अंदर, क्या है। आई स्टोर से वो बर्फ मिलती है ना, बड़ी अच्छी, आपको बर्फ पसंद है ना? के मेरे पास ऑलरेडी फोन है 13 प्रो मैक्स, तो फोन तो नहीं होगा ये, वो मैं अभी इसमें अपना व्लॉग बना रही हूँ, मेरे पास फोन तो है 13 प्रो मैक्स, तो ये क्या है इसके अंदर। जानू जी बड़ी पैकिंग कराई है। बाय द वे थैंक यू सो मच मेरी जान, यू वेलकम। बस छोटी सी ऐसी छोटी हल्की फुल्की सी चीज है, आइस टाइप की छोटी सी, बस बर्फ शर्फ। जानू वाओ वाओ जी वाओ, थैंक यू, यू वेलकम। ये वाओ 14 प्रो मैक्स पर जान जी, मेरे पास अभी है तो सही फोन। ओह कितना प्यारा कलर है, ओ माय गॉड, इसलिए मुझे कहे थे कि आज पर्पल ड्रेस पहनना। यस वाओ फातिमा, लाओ दिखाएं, जबरदस्त वाओ। इसको ओपन करें? हां वेरी नाइस,
मेरे इस फोन में और इसमें क्या चेंज है? इसमें और उसमें कलर का चेंज है, एक नंबर का चेंज है, ये 13 है, ये 14 है, इसमें ऐड कर लो। थोड़े कैमरे इसके बड़े बड़े लग रहे हैं मुझको, है ना। थैंक यू सो मच जान, आई लव यू सो मच। यू वेलकम। ओके, तो जिस टाइम बहुत ही प्यारा सा जो है वो सरप्राइज मिला है मुझे, 14 प्रो मैक्स जो है वो जान ने गिफ्ट किया है। अच्छा, ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मेरे पास इस टाइम जो है वो ऑलरेडी 13 प्रो मैक्स है और मेरा कोई इरादा नहीं था फिलहाल फोन चेंज करने का। और ये बहुत ही प्यारा है, इसका कलर बहुत प्यारा है। अच्छा, मैंने देखा था पर्पल, लेकिन मुझे पिक्चर में इतना अट्रैक्ट नहीं था जितना ये मुझे हाथ में पकड़ के लाइव जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। बहुत ही प्यारा फोन है और आई एम सो हैप्पी और थैंक यू सो मच जान, इसी तरह जो है मुझे प्यारे प्यारे सरप्राइज देते रहे। मुझे छूनो अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में, आपकी इज्जत में, आपकी रिस्क में बरकत करे। आई लव यू सो मच जी। और जान की मुझे जो है हमेशा से माशाल्लाह 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 हॉल वाला खोता है बिना, हमारी शादी को जो है वो 7 साल हो गए और जान जो है वो मुझे अक्सर जो है वो बहुत सारे जो है वो सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ गिफ्ट तो ऐसे हैं कि जिस मैंने उनको ओपन किया है और अब मैंने उनको रख दिया है, अभी तक मुझे उनको पहनने का मौका नहीं मिला। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं बहुत खूबसूरत, तो जान जो है वो गिफ्ट देते रहते हैं। और आपको बताने का मकसद ये है कि वो हस्बैंड जो अपनी वाइफ्स को पसंद करते हैं और अगर अल्लाह ने उनको ताकत दी है अपने जितने भी उनके पास पैसे हैं उसके मुताबिक, चाहे वो फूल हो या चाहे वो कोई बहुत महंगी गिफ्ट हो, तो उनको वो गिफ्ट ला के दें। और ख्वातीन यानी कि जो वाइफ्स हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को जो है वो स्पेशल, जितने मैं सरप्राइज देता हूं उससे ज्यादा अक्सर आप ही मुझे सरप्राइज देते हो। ये तो है। तो जी, अब जो है वो हम ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट जो है वो पहुंचने वाले हैं, तो इसलिए जो है मैं अभी रखती हूँ थोड़ी सी जो है वो दुआ कर लूँ मैं, और फिर जो है वो हम रेस्टोरेंट जाके जो है वो मुलाकात करते हैं। ओके जी, तो फिर आपसे मुलाकात होती है। जी, तो इस टाइम जो है वो हम फ्रेडीज जो है वो पहुंच चुके हैं और जो है वो हम अपनी टेबल पर आके बैठ गए हैं और अभी रोज़ा खुलने में तकरीबन जो है वो 40 मिनट पड़े हुए हैं। पहले आने का मकसद ये है कि रोज़े के टाइम जो आपको एंड पे जो है वो भाग दौड़ जो है वो आपको ना करनी पड़े, और इनका सिस्टम भी जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं मेरे लिए तो ठीक है लेकिन मैं अपनी फॉलोअर्स को बताऊँगी कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने जैसे है वो पहले पे किया हुआ था, अगर आपने पहले पे किया हुआ तो आपको जो है वो सर्विस आपकी पसंद की मिलेगी। जैसे ये बहुत अच्छी जगह मिली है, लेकिन जो लोग जो हैं वो बाद में आएंगे और जो है वो बाद में आके जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला हाल है, तो उनको वो जो सा कोना जगह मिलेगी वहाँ पे बिठा देंगे। और उधर की जो है वो इनकी चेयर्स की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इधर वाली जगह की जो चेयर की क्वालिटी है वो अच्छी है, तो इसलिए ये मेरी तरफ से जो है ये चीज़ इनकी अच्छी नहीं है। मैं एंटर हुई तो मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो बहुत से लोग जो है वो कंप्लेंट्स जो है वो कर रहे थे इस बारे में, तो ये मेरा था कि मैं आप लोगों को ये बात जो है वो ज़रूर बताऊं। ठीक है, तो चलिए फिर हम दुआ मांगते हैं और अफ्तारी होने का जो है वेट। जो है वो उन्होंने ओपन कर दिया और मैंने उसकी जो है वो आपको है वो लुक भी दिखा दिया, तो मैं जो है रोज़ा अफ्तार करने के बाद आपसे तो हमने जो है वो अफ्तारी जो है वो कर ली है और बड़ा मज़ा आया, हमने अफ्तारी की, उसके बाद हमने डिनर भी कर लिया और अब जो है वो मैं चाय पी रही हूँ। चाय के बगैर जो है वो मेरा गुजारा नहीं है क्योंकि मेरे सर में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है अगर मैं चाय ना टाइम पे पीऊँ तो। जी, क्योंकि मैं माइग्रेन पेशेंट हूँ और आपको पता है जिन लोगों को माइग्रेन होती है तो उनको तो जी वो जो कहते हैं चाय उनकी ज़िंदगी होती है, और मुझे चाय जो है वो बेहद पसंद भी है क्योंकि चाय भी वो भी अच्छी वाली जो पतली वाली पकी हुई होती है, वो जो बहुत ज़्यादा दूध मलाई वाली चाय होती है वो मुझे नहीं पसंद। सही है, चले जी, तो अब जो है हमने डिनर कर लिया है और अब जो है वो हम बाहर जाएंगे और थोड़ी सी जो है वो शॉपिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि जब हम बाहर आते ही हैं संडे को तो कोशिश करते हैं जो कुछ आने वाला है ना, अगर कोई जेन में चीज़ तो वो संडे को जो है वो हम खरीद लें, उसके बाद जो है हम थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। और अफ्तारी हजम करते हैं। अच्छा, कैसे हजम करनी है? हजम करेंगे थोड़ा
गाड़ी चला के शॉपिंग करके। अब ये देखे क्या हो रहा है हमारा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मामा सदके, मामा लव इट। मामा अपने बच्चे को कभी मना नहीं करती है ना। वालेकुम अस्सलाम, कितना प्यारा जी। हेलो, मैं करवाती हूँ आपकी। फातिमा ने जो है वो आपने देखा टेबल पे क्या किया है, और मैं जो हूँ फातिमा को कभी मना नहीं करती जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये बच्चों के ग्रो करने का टाइम होता है। बच्चे जो है इसमें बड़ा कुछ सीखते हैं। लाइक मेरा जो है लाइक मेरा ड्रेस अगर गंदा हो रहा है या फातिमा का ड्रेस खत्म हो रहा है तो डजंट मैटर, वो तो धुल जाएंगे। लेकिन जो होता है कि बच्चा जो है वो उस चीज़ से बड़ा कुछ सीखता है, तो उसको नो नो बेबी नो करने की बजाय उसको टाइम दें कि उसका जो दिल करे वो करे। हाँ बस ना अपने आप को दूसरों को नुकसान ना बचाए, बाकी जो मर्जी करे। सही है, तो चलिए जी फिर अब मैं यहाँ से निकलती हूँ और शॉपिंग में फिर जो है थोड़ी सी आपसे मुलाकात होगी। कोशिश करूँगी कि दिखाऊँगी आप शॉपिंग किया क्या नहीं। सही है, ओके फिर। जी तो अभी हम जो है लिवाइज़ की शॉप पे हैं, और जो है अभी जो हरून है वो ड्राई रूम में गए हैं कपड़े ट्राई करने के लिए, और मैं जो हूँ वो वीडियो बना रही हूँ। हरून फातिमा कह रही दरवाजा खोलो, मुझे दिखाना पहन के। थक थक थक। जी तो हरून ने जो है लिवाइज़ से माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्ती जो है वो शॉपिंग कर ली है, और अब हम गाड़ी में बैठ के किसी और दुकान में जा रहे हैं। जी तो हम जो है वो शॉपिंग कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि लिवाइस से जो है हमने बड़ी ज़बरदस्ती जो है वो हरून के लिए जो है वो कलेक्शन माशाल्लाह बाय की, अल्लाह महन्ना नसीब फरमाए, और जो है बड़ी अच्छी शॉपिंग होगी। उसके बाद हम एक से दो जो हैं वो आउटलेट्स पे गए थे, दो ब्रांड्स पे मुख्तलिफ जो है वो हम गए थे, और फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि फातिमा जो है वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गई, तो उसने शॉप पर भी जो है मैंने खैर शॉपिंग तो कोई भी नहीं की, पसंद ही नहीं आया कुछ, और जो है वो फातिमा चिड़चिड़ी हो गई। और फातिमा ने कहा मैंने सोना है, तो फातिमा जान जो है वो सो गई हैं मेरी गोदी में, मैं अभी भी छो गया अभी। तो फिर जब फातिमा को नींद आ गई तो फिर वो डे जो है हमने बाहर का उसी टाइम एंड कर दिया। फातिमा के जो पापा हैं वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि फातिमा जान को जो है वो थकें तो हम बाहर लेकर जाएँ या कुछ भी, और मैं भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और हमारा बेबी जब टायर्ड हो जाता है तो हम कहते हैं बस सारी चीज़ें यहीं पे रोक दो, क्योंकि उसको अगर नींद आ रही है तो बस उसने उसी टाइम सोना है, और अगर उसको भूख लगी हुई है तो उसने उसी टाइम खाना है, उसको खेलना है तो उसको उसी टाइम ही सब कुछ चाहिए, तो जो इंतज़ार नहीं वो करती। तो इसलिए बेबी हमारा सो गया, तो हमारा व्लॉग भी जो है वो हम यहाँ पर जो है वो टाटा बाय बाय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ, और जो है बहुत इंजॉय किया मैंने आज सारा दिन। थैंक यू जान, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया, इफ्तार भी बहुत अच्छी थी, और स्पेशली गिफ्ट आपका बहुत प्यारा था, है ना। और अब इस जो 13 प्रो मैक्स का मैं क्या करूँगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मेरे बहुत सारे फ़ोन जो हैं वो जमा हो गए हैं, और उसमें भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगी, और वो भी एक मज़े की वीडियो होगी, ठीक है। और अब मैं जो हूँ अपने दूसरे फ़ोन में सिम डालूंगी, तो उसके बाद हमारा न्यू ब्लॉग जो है वो हम नए फ़ोन से बनाएंगे, और इस 13 प्रो मैक्स को पता नहीं क्या करेंगे, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें, और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय कर दें, बाय बाय।